हेलो दोस्तों, हमने जो स्टोरी डाली थी वो आप लोगों को कमेंट है कि स्टोरी अच्छी नहीं है। तो अपना जो वोटिंग हुआ था उस पर 72% लोगों ने वोट किए हैं। तो हम लोग अपनी जेजे के यानी जुजुत्सु काइसेन को अब एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 4 से सीजन 2 को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तोजी रीको को मार देता है, ये बात ये तो समझ नहीं पाता है और उससे पूछता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर कैसे आ गए। सूजी गेतो से बताता है कि उसने गेजो कोजो को मार दिया है और गेतो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो कर्स थी उसको उन पर छोड़ देता है। सूजी गेतो को बताता है कि जो बैरियर जुजुत्सु हाई पर लगा हुआ है वो इसकी एंट्रेंस को छुपाता है। यदि जो इसका जानकार है तो इसके अंदर आ सकता है। गेतो अपने रेंगो ड्रैगन से जो सूजी था उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तोजी जो है वो इतना शार्प है कि उसकी नॉर्मल बुलेट को ही यूज करते हुए जो गेटो का ड्रैगन था उसको डॉच करता है और जो गेटो का ड्रैगन था उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है और दोबारा से समझाने लगता है कि वो किस तरीके से यहाँ पर अंदर आया। वो गेटो को बताता है कि उसके पास एक कर्स स्पिरिट है जो उसके सारे वेपन्स को स्टोर करती है और वो इतनी छोटी हो जाती है कि उसको उसने अपनी बॉडी के अंदर छिपाया हुआ था और क्योंकि उसके अंदर कोई कर्स एनर्जी नहीं है तो ईजिली इस बैरियर को पार भी कर सकता था और इसीलिए उसने एक गोजो के ऊपर एक नॉर्मल वेपन से अटैक किया कि जिससे उसकी जो प्रेजेंट है वो किसी को फील ना हो। लेकिन गेटो उसको चुप होने के लिए कहता है। गेटो उससे कहता है कि तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन बोल करके हेवेनली डिस्क्रिप्शन का यूज कर रहे हो और मैं जानता हूँ कि तुमको उसका फ़ायदा होगा, लेकिन तुम टॉम के अंदर कैसे आ गए? और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमने जब कोई निशान पीछे नहीं छोड़े थे तो फिर तुम यहाँ पर अंदर कैसे आ गए? अब तूजी उसे बताता है कि इंसान क्रस एनर्जी के अलावा बहुत सारे निशान होता है जो छोड़ता है, जैसे खुशबू, उसके जो फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें। और मेरे पास कोई क्रस एनर्जी नहीं है और इसी वजह से मेरे जो सेंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनकी मदद से मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया। अब गेटो उससे मितासो के बारे में पूछता है तो तूजी उससे कहता है कि मुझे नहीं मालूम वो बची भी है या नहीं बची। गेटो दोबारा से उसके ऊपर अपने ड्रैगन से अटैक करता है, लेकिन इस बार जो तूजी था वो अपनी कटाना लाइक करस से जो यहाँ पर गेटो का ड्रैगन था उसको फाड़ देता है। गेटो इस चीज़ से पूरी तरीके से आश्चर्य में था कि इस बंदे ने जो ड्रैगन होता है उसकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसके बावजूद उसने इस ईजी तरीके से उसको फाड़ दिया, लेकिन कैसे? तभी तक हम देखते हैं जो तूजी था वो दूसरी एक क्रस डोमेन थी उसके अंदर ट्रैप हो जाता है और उस ट्रैप को तब तक नहीं तोड़ा जा सकता है जब तक उस डोमेन के सारे सवालों के सही जवाब ना दे दिए जाएं। तो यहाँ पर एक स्पिरिट थी जो तूजी से पूछ रही थी कि बताओ मैं कैसी लगती हूँ तुम्हें, मैं अच्छी हूँ या नहीं। तूजी उसे जवाब देता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। वो जो भूतनी थी यहाँ से डिसअपेयर हो जाती है और कुछ चाकू जैसे कैंची जैसे हथियार जो तूजी था उसके ऊपर अटैक करते हैं। जो कैंचियाँ थी तूजी को यहाँ पर काटने ही वाली थी, लेकिन तूजी यहाँ पर उन कैंचियों को बड़ी ही आसानी से डिफेक्ट कर देता है क्योंकि तूजी के पास इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन थी और इसी से उसने अभी गोजो को भी मारा था। अभी तक जो गेटो था तूजी के करीब जा करके उसकी इन्वेंटरी जो कर्स थी उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पिरिट उसको रिजेक्ट कर देती है। अभी तक तूजी एक अपनी दूसरी वेपन निकालता है और गेटो और उसकी कर्स दोनों को यहाँ पर स्लैश कर देता है। उसको घायल करने के बाद बोलता है कि तुमको तो मैं बड़े आसानी से मार सकता था यदि तुम सीकीगामी यूजर होते तो, क्योंकि तुम कर्स मैनिपुलेटर हो और शायद तुमने जो कर्स एब्जॉर्ब की हुई है वो कर्स शायद तुम्हारे मरने के बाद मुझ पर हमला कर सकती हैं। अब यहाँ पर तूजी गेटो को टोन मारते हुए कहता है कि लानत है तुम पे, तुम्हारे पास इतनी सारी पावर्स थी उसके बावजूद भी तुम मुझसे हार गए जहाँ पर मैं जुजुत्सु को भी यूज नहीं कर सकता हूँ। तभी तक इधर जो गोजो था उसकी बॉडी में कुछ मूवमेंट दिखती हैं और दूसरी तरफ जो तूजी था वो रीको की बॉडी को लेकर के रिलीजियस ग्रुप की उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है अपना जो प्राइस था उसको क्लेम करने के लिए। वहां पर एक मेंबर से मिलता है जिसका नाम है सिगनोरु सुनोदा। वो बंदा तूजी से कहता है कि हम तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पे करेंगे क्योंकि तुमने बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ पर देखी हैं। वो तूजी को बताने लगता है कि कैसे मास्टर तेंगेन ने नारा पीरियड के टाइम जेपनीर बुद्धिज्म प्रीच करना शुरू किया था क्योंकि आज फाउंडेशन है जुजुत्सु सोर्सेस की, लेकिन जुजुत्सु और रिलेशन दोनों एक लंबे पीरियड के लिए साथ में नहीं रह पाए। तभी जन्म हुआ टाइम वेसल एसोसिएशन का जो कि मास्टर तेंगेन को आज प्योर डिवाइन बींग की तरह ट्रीट करता है। अब क्योंकि कर्स यूजर नॉर्मल लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते इसीलिए रिलीजियस ग्रुप में सिर्फ नॉन कर्स यूजर ही बचे हैं और हमें इस नापाक मर्जर को किसी भी तरीके से रोकना था चाहे हमारी इसमें जान ही क्यों न चली जाए। तो जी सोचता है कि सिगोरो एकदम पागल है
और वो एजेंट से पूछता है कि तुमने मेट को आखिर मारा क्यों नहीं। वो बताता है कि उसको रेस्क्यू करके वो लोग बहुत रिलीफ थे, तो यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ये बात काम में आई। अब एजेंट उसे बाद में खाना साथ में खाने के लिए पूछता है, लेकिन वो बंदा उससे बोलता है कि उसने अपने आप से वादा किया है कि वो तुम्हारा साथ सिर्फ काम या फिर नर्क में ही देगा, और फिर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। अब तोजी उस बिल्डिंग से बाहर निकला हुआ था जहाँ पर उसके सामने गोजो खड़ा हुआ था उसका इंतजार करते हुए। अब यहाँ पर अपना एपिसोड 4 एंड हो जाता है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत करते हैं। तोजी ने जैसे ही गोजो को देखा था उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये बंदा आखिरकार जिंदा कैसे, क्योंकि उसने उसे तो मार दिया था। अब गोजो तोजी से बोलता है कि मैंने अपनी जो रिवर्स कास्ट टेक्निक है उसको यूज किया अपने आप को वापस से हील करने के लिए, और तोजी तुमने सबसे बड़ी गलती पता है क्या की है, कि तुमने मेरा सिर नहीं काटा था। गोजो तोजी को बताता है जो लिमिटलेस और रिवर्स कास्ट टेक्निक है उसको ज़्यादा मैंने यूज कर लिया है और इसी वजह से मेरे दिमाग पर कुछ असर हो गया है, और इसी वजह से ना मैं नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रहा हूँ, और जब मैं मौत के एकदम करीब था तब मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ कर्स की जो टेक्निक थी उसको समझा है। तोजी था यहाँ पर, उसको गोजो की ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो अपना इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन निकालता है और कहता है कि बच्चे फाइट तो अभी शुरू हुई है। गोजो यहाँ पर पगला गया था और ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहा था। तोजी दौड़ते हुए गोजो के पास गया था और बहुत सारे अटैक उसने गोजो के ऊपर कर दिए थे, लेकिन इस बार तो गोजो गोजो था, वो तोजी के सारे अटैक्स को डिफेक्ट करता है और तोजी को दूर फेंक देता है। तोजी का यहाँ पर गोजो के ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था, और जो गोजो था लिमिटेशन यूज करता है और तोजी के पीछे पहुँचता है। तोजी पीछे मुड़ता है उसको डिफेक्ट करने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है कि गोजो उसकी जो रिवर्स कास्ट टेक्निक है उसको लिमिटलेस के साथ में यूज करना सीख चुका था, और गोजो अपनी जो नई टेक्निक बनी थी जिसका नाम था रिवर्स कास्ट जेड उसका यूज करता है। उस अटैक में इतना ज़्यादा पावर था कि तोजी यहाँ से और मानो 10-20 किलोमीटर दूर जा करके गिरा था। अब जो तोजी था वो सच में टेंशन में आ गया था और सोच रहा था कि उसके जो सामने बंदा खड़ा हुआ है वो सचमुच का एक मॉन्स्टर है। अब यहाँ पर वो गोजो को जो उसकी पावर्स थी उनको समझने की कोशिश में लगा हुआ था। अभी सारी चीज़ों को देखते हुए उसको एहसास होता है कि जो गोजो है उसकी पावर तो बढ़ चुकी है, लेकिन उसकी जो बॉडी है अभी भी सेम ही है। वो अपना दिमाग लगाता है कि किस तरीके से मैं गोजो को हरा सकता हूँ। तोजी यहाँ पर अच्छी तरीके से जानता था कि गोजो के पास 3 कास्ट टेक्निक हैं। पहली जो मोशन को रोकने की पावर थी, न्यूट्रल लिमिटलेस। दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की पावर, लिमिटलेस ब्लू। तीसरी किसी भी चीज़ को रिवील करने की पावर, लिमिटलेस रेड। फिर अपने मन के अंदर सोचता है कि इन सारी चीज़ों से उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इतना सोचते हुए बंदा अपनी स्पेयर से एक चैन को जोड़ लेता है और गोजो की जो लिमिटलेस थी उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर भी पता नहीं उसका दिल था जो जोरों से धड़के जा रहा था, और इधर जो गोजो था उसकी लिमिटलेस को यूज करते हुए हवा में उल्टा लटके हुए उड़ रहा था। अब इस चीज़ को देखते हुए तोजी की हालत ख़राब हो चुकी थी और उसकी फटके जैसे चार हुई थी। अब यहाँ पर उस चैन को उस चारों साइड में और हर जगह पर घुमाया जा रहा था। दूसरी तरफ गोजो रिको से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बदले के लिए गुस्सा नहीं हूँ। फिर अपने मुंह से कुछ शब्द निकालता है और कहता है, पूरे स्वर्ग धरती और संसार में मुझसे ज़्यादा सम्मानित कोई नहीं है। यहाँ पर तोजी अपने अटैक से एक डस्ट वेव बना चुका था, लेकिन जो गोजो था उस फॉग के ऊपर उड़ रहा था। तभी उसमें से इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन आ जाती है, लेकिन इधर गोजो जानता था कि वो उसको हिट करने वाली है। अब इनहेरिटेड टेक्निक को सिखाने के लिए जितनी भी दुनिया है यहाँ पर सब लोगों के पास एक बुक हुआ करती है। इसी वजह से ये टेक्निक किस तरीके से काम करती है दूसरे क्लैन के लोग भी जानते हैं, और क्योंकि तोजी जेनिन फैमिली का मेंबर था तो उसे भी सब पता होगा। लेकिन एक ऐसी टेक्निक है जो गोजो क्लैन में भी कुछ ही लोगों को सिखाई जाती है। टेक्निक है रेड एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन की, जिसका नाम है होलो पर्पल, जो इतनी ख़तरनाक है कि उसके रास्ते में जो चीज़ भी आती है उसको तबाह कर देती है। जो गोजो था उसने होलो पर्पल यूज किया था तोजी के खिलाफ, और तोजी यहाँ पर उस अटैक को डॉच नहीं कर पाता है। इसी वजह से जो उसकी बॉडी थी आधी छेद हो चुका था उसमें, और बगल से उसके जो गड्ढे हुए थे उनमें से खून टपक रहा था। तोजी यहाँ पर इस अटैक को खाने के बाद सोच रहा था कि शायद मैं भाग गया था तो अच्छा रहता। वैसे तो तोजी ने आज तक कभी बिना पैसों के लड़ाई नहीं की थी, लेकिन आज उसके सामने इस सेंचुरी का सबसे पावरफुल सोर्सरस खड़ा हुआ था, और जो तोजी है यहाँ पर कर्स एनर्जी यूज ही नहीं कर पाता है। उसको उसकी जो जेनिन फैमिली थी और इस दुनिया को इस चीज़ को दिखाना था कि कैसे उसने बिना कर्स एनर्जी को यूज किए ही गोजो सातरू को मार दिया है।
इसी वजह से उसने अपना ही बनाया एक रूल था जो उसने अभी तोड़ दिया था और वो हार गया। अब गोजो यहाँ पर तोजी के सामने खड़ा था और उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा था। जो तोजी था उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं और उसके दिमाग में उसकी बेटी की तस्वीर मेघों की चले जा रही थी। उसी चीज़ को गोजो को बताता है कि 2-3 सालों में जो उसका बेटा है जेनिन फैमिली को बेच दिया जाएगा। मेरे पास बस यही इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन का तुम जो कुछ भी करना चाहो सो कर सकते हो। और इतना कहते हुए जो तोजी था उसका यहाँ पर दी एंड हो जाता है और इसके साथ एपिसोड 5 का भी दी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा एपिसोड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6-7 के साथ में मिलेंगे। सो कमेंट करके जाना। बाय बाय।